हेलो दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कुछ शेयर की अपडेट। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहला शेयर है बीएससी लिमिटेड। आज इस समय 2.44% की गिरावट देखने मिली। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म ले सकें तो फ्रेंड इस समय गिरावट में बाय कर सकते हैं, जो फ्रेंड आपको लेवल आगे वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की बात किया तो सेने 69% का दोस्तों रिटर्न बना दिया है। वहीं लास्ट 1 साल की बात की जाए तो फ्रेंड 381% का बेहतरीन रिटर्न बना दिया है सेने। दोस्तों, इस समय 5 लाख क्वांटिटी में से दोस्तों 3,74,000 क्वांटिटी डिलीवरी एस पर उठाई गई है, जो इन्वेस्टर फ्रेंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो फ्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो फ्रेंड आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। 72% की बेहतरीन क्वांटिटी इसमें डिलीवरी एस पर उठाई गई है। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में जोर रखना चाहिए, जिसका दोस्तों मार्केट में काफ़ी अच्छा शेयर है। तो दोस्तों, इस शेयर का RSI 43.13 का देखने को मिल रहा है और फ्रेंड इस शेयर का सपोर्ट देखने को मिल रहा है 2190 का। अब फ्रेंड आपको इसमें 2190 के लेवल पे बाय करना है और इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्रेंड 2302 का। और शेयर दोस्तों 20 DMA के नीचे आ चुका है, जो फ्रेंड एक नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म निवेशक इसी में भी एग्जिट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म निवेशक इसी में फ्रेंड बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो दोस्तों काफ़ी बेहतरीन शेयर है और लगातार फ्रेंड आपको इस शेयर को रिकमेंड कर रहे हैं। और फ्रेंड इस शेयर में आज 2.60% की तेज़ी देखने को मिली। तो फ्रेंड जब से इस कंपनी में ब्रेकआउट हुआ है, इसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, जो फ्रेंड आपको बताया भी था इस शेयर में जब ब्रेकआउट हुआ था। वहीं दोस्तों लास्ट 6 मंथ की बात किया तो शेयर ने 61% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। और लास्ट 1 साल की बात किया तो 131% का सुपर रिटर्न बना के दिया है। तो फ्रेंड ऐसे स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, जिसमें फ्रेंड आपकी मनी भी सेफ हो और दोस्तों आपको रिटर्न भी काफ़ी ठीक ठाक मिले। वो फ्रेंड ये स्टॉक दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो दोस्तों, इस सेमेंट डिलीवरी क्वांटिटी 31% की देखने को मिल रही है, जो फ्रेंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छी रिटर्न बना के दे रहा है। दोस्तों, इस शेयर का RSI 31.99 का देखने को मिला है। शेयर फ्रेंड ओवरबॉट जोन में देखने को मिला है। तो फ्रेंड आप इस शेयर को फ्रेंड 80 की रेंज पर आता है तो फ्रेंड इसी में आप पार्शियल प्रॉफिट कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस लेवल पर बताया था इसी में ब्रेकआउट हुआ है, आप इस शेयर में फ्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। और फिर तब से देखा जाए तो इस सीएम में दोस्तों इस सीएम में 4.96% की लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली है। जो फिर ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर इसमें 5% तक की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। अभी भी दोस्तों आपको इस सीएम में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। बस दोस्तों, आप अपना स्टॉप लॉस टेल करते हुए चलें। और दोस्तों, से शॉर्ट टर्म एंड मीडियम ट्रेंड दोनों के ही ऊपर देखने को मिला है, जो फिर एक पॉजिटिव सिग्नल है इस सीएम में। नेक्स्ट है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी। आज इस सीएम में 4.91% की तेज़ी देखने मिली। जो फिर इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, जो फिर आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वहीं लास्ट 6 मंथ की बात किया तो दोस्तों इससे ने 68% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है। और लास्ट 1 साल की बात की जाए तो फिर 372% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया इस कंपनी ने। इस शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली थी 5 दिन से। अब इस शेयर को ऑर्डर मिला है, जिस वजह से आज 5% की तेज़ी देखने को मिली। दोस्तों, इस कंपनी को 72.45 MW का पावर प्रोजेक्ट मिला है, जो फ्रेंड जुनीपर ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से मिला है इस कंपनी को। तो फ्रेंड कंपनी 43 वाइंड टरबाइन जनरेटर को इंस्टॉल करेगी, जिस वजह से फ्रेंड इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो दोस्तों, आपको इससे में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है और लगातार इससे में गिरावट में आपको फ्रेंड लेवल बताए हैं, उन लेवल पर आपको इससे में बाय करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ फ्रेंड आपको 100 तक के लेवल दिखा सकता है, बस दोस्तों आपको होल्ड करके रखना होगा। और दोस्तों, जिसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है वो 50 के लेवल पे इसी में पार्शियल प्रॉफिट बुक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों शेयर में काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है। तो फिर कुछ टाइम तक शेयर इसी रेंज में कंसोलिडेट होगा। अगर फिर आप पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हैं तो इस शेयर को फिर होल्ड किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस शेयर का आपको सपोर्ट बताया था 38 का, उसको शेयर ने ब्रेक कर दिया था दोस्तों। और 35 के लेवल पे आप इस समय बाय कर सकते थे, लेकिन फिर इस कंपनी को ऑर्डर मिल गया, जिस वजह से मैं आपको तेज़ी देखने को मिली है। अब इस कंपनी का रेजिस्टेंट होगा 44.15 का, इस लेवल पे आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म निवेशक इस समय दोस्तों गिरावट में बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन शेयरों की लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फ्रेंड इस चैनल पर जल्दी एक नया सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, जो दोस्तों आपको इस चैनल पर 5 से 6 स्टॉक की डेली अपडेट मिलेगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।